राज्य सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिए हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के गंभीर मरीजों को ही लगाया जाए। इसके लिए 3 अप्रैल 2020 को जारी अपडेट क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19 का सख्ती से पालन किया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री को शिकायतें मिली हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, दवा दुकानों में इसके मनमाने रुपए वसूले जा रहे हैं। राज्य शासन ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई शर्तों का पालन कराया जाए। मरीज को यह इंजेक्शन किस आपात स्थिति में दिया गया है, इसका रिकॉर्ड अस्पताल को रखना अनिवार्य है। रिकॉर्ड में आपात स्थिति का विवरण भी देना होगा। आपको बता दें कि आपात स्थिति को छोड़कर रेमडेसिविर का उपयोग किया गया तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल और डॉक्टर की होगी। यही नहीं, इसके लिए फार्मासिस्ट भी जिम्मेदार होगा। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकारी स्तर पर खरीद की जाएगी ताकि मध्यम वर्गीय व गरीब को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।